अभी कुछ दिन पहले मैं चाइना पे गया था, जहाँ पे रियलमी ने अपना नया स्मार्टफोन रियलमी एक्स शोकेस किया था, और उस दौरान मुझे ओप्पो की फैक्ट्री में भी जाने का मौका मिला। यकीन मानिए, ये एक्सपीरियंस बहुत ही लाजवाब था। एक फ़ोन बनने में बहुत सी बारीकियों का ध्यान रखा जाता है और बहुत सारे टेस्ट के बाद ही एक फ़ोन को फाइनल किया जाता है। तो चलिए, आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ ओप्पो का फैक्ट्री टूर। आप भी मेरे साथ देखिए कैसे बनता है फोन और किन टेस्ट से एक स्मार्टफोन को गुजरना पड़ता है। तो गाइज, ओप्पो की फैक्ट्री में मैं आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि ओप्पो के स्मार्टफोन बनते कैसे हैं। हमारे काम की शुरुआत हो चुकी है, अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ओप्पो के फोन बनते कैसे हैं, असेंबल कैसे होते हैं। आप भी इस नज़ारे को एंजॉय कीजिएगा। तो अंदर जाने के लिए आपको यहाँ पर पूरा यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है ताकि प्रोटेक्शन रहे फ़ोन के डिवाइसेस की, कहीं डस्ट ना लगे। आपको दिखा दूँ कि नीचे आपको पैरों में भी पॉलिथीन लगा के जाना पड़ता है ताकि फ़ोन के प्रोटेक्शन बनी रहे और फ़ोन में कोई डस्ट ना जाए, जो एक्सेसरी असेंबल की जा रही है उसमें कोई डस्ट ना जाए। ये जो हवा अभी आप सुन रहे थे वो इसलिए थी कि ताकि हम पूरी तरह से क्लीन हो जाए, हमारी बॉडी में कहीं भी डस्ट का पार्ट ना लगा हो। अब यहाँ पर ये मैडम कुछ बोल रही हैं, आपको ठीक से समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं ही बता देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बोर्ड यहाँ से क्लीन होकर निकलता है, फोन में किसी प्रकार की डस्ट ना जाए उसका पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है। और ये सामने आप देख सकते हैं कि प्रिंटर है, इसके अंदर बोर्ड जाता है, उसके अंदर सारे जो भी बोर्ड के अंदर आपको वायरिंग दिखती है वो प्रिंट होती है। बोर्ड की प्रिंटिंग के बाद इसे आगे भेजा जाता है। ये पूरा प्रोसेस मशीन द्वारा किया जाता है, जिसमें बोर्ड पर आईसी लगाना हो, बोर्ड का साइज कट करना, उस पर सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड का ट्रे जोड़ना, सब कुछ इसके बाद किया जाता है। बोर्ड वापस आ चुका है, नाइट्रोजन की हीट से इसे सोल्डर किया गया है और अब ये कूलिंग मशीन में गया है और कूलिंग मशीन में जाएगा, कूल होगा और बाहर आएगा। बोर्ड पूरी तरह से रेडी होने के बाद इस पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है। हालांकि यहाँ पर आपको बता दूँ, ये एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर नहीं, बोर्ड का अलग से एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी वजह से बोर्ड फंक्शन में आता है। उसके बाद इसे टेस्टिंग मशीन में भेज के इसके सारे कॉम्पोनेंट को टेस्ट करने के बाद मैनुअली टेस्ट करते हैं और फिर बार कोड लगा के फाइनल कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे बोर्ड रेडी होके बाहर निकल चुके हैं और इस केस में प्लेस कर दिए गए हैं जहाँ पर ये बोर्ड आगे जाएंगे। फिलहाल आपको बता दूँ कि जो बोर्ड अभी रेडी होके बाहर आए हैं वो सिर्फ एक साइड रेडी हुआ है, दूसरी साइड भी काम करना पड़ता है। तो एक साइड पे 20 मिनट के आसपास लगते हैं, यानी टोटल देखा जाए तो दोनों साइड पे 40 मिनट लगेंगे। और आपको बता दूँ कि एक पूरे बोर्ड में 4 PCB के कॉम्बिनेशन से पूरा एक बोर्ड बनता है। तो अभी जो यहाँ पे आप ये मशीन देख सकते हैं, इसमें इन बोर्ड्स को कट किया जाता है 4 सेक्शन में ताकि वो अलग अलग फ़ोन में इस्तेमाल किए जाएं। बोर्ड रेडी होने के बाद उसे असेंबलिंग के लिए भेज दिया जाता है, जिसके लिए अलग फैक्ट्री है। पर इस फैक्ट्री में हमने कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिली। तो इस रूम में जब हम आए हैं तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर फ़ोन्स का टेस्ट किया जाता है और जितने भी प्रकार के टेस्ट होते हैं इसमें किए जाते हैं, जैसे कि ड्रॉप टेस्ट है, इलेक्ट्रिकल टेस्ट है, वाटर में भी थोड़ा सा डाल के देखते हैं कि फ़ोन कितना सस्टेन कर पाएगा। तो आपको एक डेमो दिखा देते हैं, देख सकते हैं कि फ़ोन को नीचे गिराया, एक बार फिर से देख लीजिए। देख सकते हैं कि यहाँ पे ड्रॉप टेस्ट किया जा रहा है फ़ोन का। इस बॉक्स के अंदर फ़ोन को रखा है और फोन्स को हिलाया जा रहा है कि फ़ोन कितना एक्सट्रीम कंडीशन पे सस्टेन कर पाते हैं। यहाँ पर क्वालिटी टेस्ट की एक और मशीन भी है जिसमें फ़ोन को एक अलग एंगल से गिरा जाता है, 48,000 बार इस फ़ोन को ऐसे गिरा जाता है और देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है। और पूरे लॉट में से सिर्फ एक फ़ोन को पिक किया जाता है और अगर एक भी फ़ोन ख़राब निकले तो उस पूरे लॉट को कैंसिल कर दिया जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि रियलमी C2 की क्वालिटी को टेस्ट किया जा रहा है, जो कि हाल ही में भारतीय बाज़ार में लॉन्च किया गया है। यहाँ पर ट्विस्ट करके देखते हैं फ़ोन को कि अगर बाई चांस आप फ़ोन पर बैठ जाएँ या गलती से आपसे मुड़ जाए फ़ोन, तो कहीं वो टूटेगा तो नहीं। इस टेस्टिंग प्रोसेस में फ़ोन के दूसरे कॉम्पोनेंट को भी अच्छे से टेस्ट किया जाता है, जैसे कि माइक्रो USB पोर्ट, 3.5 ऑडियो जैक, पावर बटन,
यूएसबी केबल और ईयरफोन्स तक को भी टेस्ट किया जाता है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि कंपनी आपको अच्छे से हर फोन के एलिमेंट को टेस्ट करके ही मुहैया करवाती है। पर आप मशीन देख सकते हैं, ये वो मशीन है जहाँ पर फ़ोन को अलग अलग एनवायरनमेंट कंडीशन में टेस्ट किया जाता है। कोल्ड कंडीशन में रखते हैं, हॉट कंडीशन में रखते हैं और देखते हैं कि फ़ोन कितना सस्टेन कर पाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि फ़ोन गर्म हो जाता है, उसके बाद भी फ़ोन में आपको खराबी देखने को नहीं मिलती। साथ साथ अगर हम कोल्ड वेदर की बात करेंगे, अगर इतनी ठंड में इस फोन को यूज़ किया जाए तो सस्टेन कर पाएगा या नहीं, जैकेट पहना दें अगर हम इस फ़ोन को तो क्या वो बच पाएगा। ओप्पो की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बाद हम ओप्पो की असेंबली यूनिट में गए, जहां पर हमने फोन के हर एक पार्ट को असेंबल होता देखा। यहां आप देख सकते हैं कि मैं अंदर आ चुका हूं असेंबलिंग यूनिट पे, जहां पे सभी फोन्स को असेंबल किया जाता है। जो पार्ट्स मैंने आपको वहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में दिखाए वो सभी यहां पर लेके आए जाते हैं और एक एक छोटे छोटे पुर्जे को यहां पर आके असेंबल करा जाता है। यहां पर कैमरा को असेंबल किया जा रहा है, आप देख सकते हैं कि कैमरा के पार्ट्स को यहाँ पर जोड़ के वायरिंग करके रख दिया जा रहा है और इसके बाद ये आगे जाके मदरबोर्ड पे फिक्स किया जाएगा। कैमरा बॉडी पर प्लेस करने के बाद यहाँ पर इसे प्रॉपर तरीके से फिक्स किया जाता है ताकि कुछ एरर ना रह जाए या फिर कहीं कोई स्क्रू ढीला ना रह जाए। और अब इसके बाद ये और आगे भेज दिया जाएगा नेक्स्ट स्टेप के लिए। और इसके बाद ये आगे भेजा जाएगा यहाँ पर, जहाँ पर दूसरे कंपोनेंट्स ऐड किए जाएंगे। और एक और चीज़ बता दूँ कि ये लोग इन रबर फिंगर टिप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि कोई डस्ट ना जाए, बहुत प्रिकॉशन लिया जाता है फ़ोन बनते समय। फ़ोन के पार्ट्स की असेंबलिंग बहुत प्रिकॉशन से की जाती है, हीट के थ्रू वायर्स जोड़ना हो, कैमरा लगाना हो, बैटरी फिक्स करना हो, फिंगरप्रिंट सेंसर लगाना हो, सभी कुछ एक एक करके किया जाता है। लाइन से सभी लोग बैठे होते हैं और फोन को आगे पास करते हैं। जिस एम्प्लॉय के पास जोन सपाट है वो अपनी ड्यूटी पूरी करके आगे फॉरवर्ड कर देता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फोन पूरी तरह से रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि फोन का सॉफ्टवेयर टेस्ट करने के बाद यहाँ पर पूरी आप मशीन देख सकते हैं बैक साइड पे दी गई है, जिनमें फोन को दोबारा एक बार भेजा जाता है और यहाँ पर देखते हैं कि हार्डवेयर ठीक से काम कर रहा है या नहीं, कोई लूप होल तो नहीं रह गया पैकेजिंग में, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि जब ये लोग पैक कर रहे होते हैं तब कई बार कोई बटन ठीक से फिक्स नहीं होता या फिर कोई कैमरा ठीक से फिक्स नहीं कर पाते, तो यहाँ पर उनका टेस्ट किया जाता है। तो ये वो जगह है जहाँ पर फ़ोन में IMEI नंबर इंस्टॉल किया जाता है। आप देख सकते हैं कि फ़ोन में एक केबल लगी हुई है और सामने एक कंप्यूटर स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, हालांकि चाइनीज़ में लिखा है इसलिए आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन कोने में आप देख सकते हैं कि IMEI लिखा है। तो हर फ़ोन में अलग अलग IMEI नंबर यहाँ पर डाला जाता है, उसके बाद फाइनल में ये फ़ोन रेडी होके आगे पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है। आई होप के ओप्पो का फैक्ट्री टूर का ये वीडियो था आपको ज़रूर पसंद आया होगा और जो मैन्युफैक्चरिंग से आपके जुड़े सवाल थे वो कुछ हद तक सॉल्व भी हुए होंगे। पर फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है फैक्ट्री टूर से या फिर मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी, प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं। और हमेशा की तरह अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन, दिस इज़ केशव खेरा साइनिंग ऑफ़।